नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फास्ट टेक रिवीजन जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का चल रहा था, उसमें आज मैं आप सभी के सामने जो है एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसमें भी हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा में आने की संभावनाएं रहती हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, इसे पूरे विश्वास के साथ वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने भी देखे थे और काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर किया था। तो स्वाभाविक बात है, उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नौ तो पिछले 10 साल के पेपर उठा के आप देख लें। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, जितने भी पार्ट हम बना रहे हैं इन 6 दिनों में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पहले तक, तो स्वाभाविक बात है परीक्षा में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। इससे पहले कि कुछ है, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ इसको देखने से पहले कुछ फॉर्मूलों को देख लेना है, काफ़ी जरूरी है। जैसे सिंपल सा फॉर्मूला है जो है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी को फॉर्मूले को किस तरह से एग्जाम में दे देगा गणितीय मान रख के, जैसे यहाँ ए के जगह पर कोई वैल्यू दिया, जैसे 0.5 के रख दिया, बी की जगह पर 0.47 रख दिया। अब इस सूत्र को घुमाएगा कैसे, वैल्यू तो छोड़ दीजिए, अभी वैल्यू रखने वाला कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा, समझिए वैल्यू रख के देगा तो दिक्कत आपको होगी। क्यों? क्योंकि जब सूत्र को घुमा फिरा के समझ लेंगे तो वैल्यू रख के कितना भी दे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, अन्यथा दिक्कत होगी जब इसको नहीं समझे रहेंगे तब। तो अगर आप इसको देखते हैं, इसको कैसे कैसे दे सकता है, हो सकता है ऐसे करके दे दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे वैल्यू करके दे देगा 0.53, इसके जगह पे 0.47। तो आप कहेंगे तोड़ के हम हॉल कर देंगे, तो तोड़ के हॉल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और दशमलव में जब है तो सही बात है जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे तो आप काफ़ी और दिक्कतें आएंगी। सूत्र भी पता रहेगा आपको तो आसानी से आप इसको, आपको पता हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपको एक और फॉर्मूला जानना जरूरी है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 times ए प्लस बी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इस पर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। चलिए न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में लेते हैं, इस सूत्र पर करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत कम बार देखे होंगे, 3 - 1/2 - 1/7 इस तरह के क्वेश्चन, एक इसके बटे के बटा इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये आया हुआ है 1/3 - अब देखिए कैसे करेंगे, 1/7 पहले नीचे से सॉल्व करते हैं, 7 × 14 में से गया ये 14 - 1/7, इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 - 14 में क्या गया 13 - 7 हो गया। अब फिर नीचे का लॉ सॉल्व, फिर ऊपर भेजा, कैसे होगा, 3 × 7 = 21 और 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 ऊपर चला गया, 3 × 7 = 21 21 - 13 कितना हो गया 7/8, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने कुछ गलत इसमें कर दिया कि 3 - 1/2 - 2 - 1/7 है, तो 3 - 1/2 - 2 × 14 में से गया 13 - 13/7, अब क्या हुआ 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तीन ऊपर से 7 ऊपर क्योंकि बटा का बटा है तो 7 ऊपर चला गया 7/13। अब इसको सॉल्व करेंगे 13 * 39 - 7/13,
अब 39 में से सारे गया कितना हो गया, 7 ऊपर चला गया, 39 में से 7 गया आपका हो जाएगा 32, तो 32/13 हमारा आंसर है। ठीक है, बत्तीस बटा तेरह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन पे एक तरह से और दे सकता है, कैसे इसको लिखेगा, देखिए 3/3 के नीचे नहीं है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन लिख रहा है वो थोड़ा अलग होगा, देखिए कैसे होगा, वो ऐसे करके दे देगा आपको, 1/3 माइनस 3 माइनस फिर कितना है, फिर 1/2 माइनस 1/7। अब इसका उत्तर सीधे ठीक उसके उल्टा आएगा, कैसे, 1/3 माइनस, अब देख सकते हैं 214 में से क्या 13, तो सात ऊपर चला जाएगा, तो 7/7 में से गया 13। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो कैसे 13 3 39 39 में से 7 गया 32, 13 ऊपर तो हो गया 13/32। आप देखते हैं पहले वाले का ठीक उल्टा आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एक कमी जो है इसको ध्यान रखें, अगर ये ऐसे करके देता है तो इसका उत्तर 32/13 होगा, और यदि पूरा कर देता है तो इसका उत्तर कितना होगा, 13/32 होगा। अगला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करना है, दोनों प्रश्न जो बता रहा हूँ दोनों आए हुए, अगला जो हमारा है वो ये है, ये काफी सिंपल सा है, एक मिनट, ये काफी सिंपल सा है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन जो हमारा है 2 - 3 - 4 - 3 - 2 करके, ठीक है, ये बार इसको पढ़ा जाता है, बार भी बोल सकते हैं या फिर रेखा कोष्टक भी बोला जाता है हिंदी में बोले तो रेखा कोष्टक। अब जहां ये होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसी वाले भाग को सॉल्व करते हैं, इस बात को याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन में, जहां रेखा कोष्टक था सबसे पहले इसी भाग को सॉल्व करेंगे, तो 2 - 3 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 में से 2 गया, आगे क्या है चीज इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इस वाले भाग को देखना है, मतलब माइनस 3 - 2 है, तो सिर्फ इस वाले भाग को आपको देखना है, यानी एक माइनस समापन नहीं है, तो 3 - 2 गया 1, ठीक है ना, तो 2 - कितना हो गया, 3 - 4 में से गया 3, आंसर कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी 2 - 0 = 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक इसी पे, देखिए एक वैल्यू दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है 5^1/2, ये फॉर्मूले पे सीधे है, 3^1/2 ब्रैकेट में 5^-3^1, अब इसको एक फॉर्मूला याद हो कौन सा, a+b (a-b) = a² + b² (a²-b²), वो सीधे इसका उत्तर बता सकता है क्या होगा, 5^1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3^1/2 इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5, और इसका कितना रहेगा -3 = 2, तो आसानी से बताया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने सूत्र पे आपको बताया था, देखिए जैसे दिया हुआ है 2.6 × 2.6 -2.4 × 2.4/2, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, आप जल्दी नहीं अगर सूत्र पता होगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2.6 × 2.6 माइनस करेंगे इतने का मल्टीप्लाई करके, तो काफी समय लग जाएगा, और परीक्षा कंपटीशन के एग्जाम में क्या है कि समय कम लगना चाहिए, तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, आप देख सकते हैं दोनों समान है, तो अगर मान लें a है b, तो क्या होगा a²-b² और नीचे क्या होगा a·b, ठीक स्पष्ट है, यानी a²-b² / a·b, सीधे सॉल्व कर दें, इसका सूत्र क्या होता है जानते होंगे a+b (a-b) और नीचे a+b, कैंसिल करिए आंसर सीधा a-b, आप कुछ ना करिए सीधा a-b, मतलब 2^6 - 2^4 करिए, कितना होगा 0.2 इसका आंसर, यही ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। एक तरह का क्वेश्चन जो मैंने सूत्र आपको बताया था उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ये है आपका 2.3/3 है धन 0.027 है डिवाइडेड बाई
2.3 का होल स्क्वायर है, धन 0.09 है, फिर माइनस 0.69 है, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या करना है, 2.3 का होल क्यूब है, ये क्या है 0.03 का क्या है होल क्यूब है। यहाँ से देखिए ये जो है इसको करेंगे कितना ही आएगा, ठीक। नीचे 2.3 का होल स्क्वायर है धन, इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर माइनस क्या है 2.3 × 0.3 का, ये देखिए इतना आएगा, आएगा ना। तो आपको सूत्र पहले ही बताया था मैं, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, इसी पर लगाना है। तो ए प्लस बी, अब ए प्लस बी में क्या है, यहाँ कर लो भैया ए प्लस बी, ए का मान कितना 2 मिलना और बी का मान ये, तो 2.3 धन 0.3 कितना आ जाएगा 2.6, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और, इस परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप जल्द से जल्द देखें ताकि आप आने वाला जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सके। धन्यवाद।